बलरामपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र में रविवार को जायरीनों से भरी बोलेरो जीप पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 बच्चों सहित 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला मेमोरियल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 2 लोगों की हालत यहां गंभीर बताई जा रही है। मामला कोतवाली देहात के देवरिया मोड़ के निकट का है। यहां गोंडा जिले के बाबागंज झपटपुरवा गांव के एक ही परिवार के लोग बहराइच दरगाह में लगने वाले मेले में शामिल होने जा रहे थे। तभी देहात थाना क्षेत्र के देवरिया मोड़ पर अचानक बोलेरो जीप का टायर फट गया जिससे जीप अनियंत्रित हो गई और सड़क के बगल खाई में पलट गई। जीप पलटते ही चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अस्पताल पहुंचे कुल 11 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक छुट्टन जिसकी उम्र 25 वर्ष है, मोहम्मद आसिफ जिसकी उम्र 8 वर्ष है व इमरान को गंभीर चोटें आई हैं। जिला मेमोरियल चिकित्सालय की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर रमेश पांडे ने बताया कि घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद से ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल एक महिला की मौत हो चुकी है जबकि 11 अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है। इनमें 3 की हालत गंभीर है लेकिन हमारा स्टाफ पूरी तरीके से इनकी इलाज में लगा हुआ है। मैं स्वयं भी इमरजेंसी में मौजूद हूँ और लगातार इनके इलाज को देख रहा हूँ। यदि कोई आपात स्थिति होती है तो इन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। अस्पताल में पहुँचे घायलों से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि अचानक से एक धमाका हुआ और गाड़ी अनियंत्रित हो गई जिसके बाद सड़क किनारे जाकर गाड़ी खड्ड में गिर गई। इस दौरान सभी एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए जिससे गंभीर चोटें आई हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये इमरजेंसी में लेटे हुए लोग हैं जिनको स्टिचेस दिए गए हैं, पट्टी बांधी गई है और इलाज लगातार जारी है। आगे सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर। बताइए क्या मामला है। हाँ, अभी एक गाड़ी का टायर फट गया जिसमें 10-12 लोग घायल हो गए। एक महिला की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं हमारे अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है। टोटल कितने लोग हैं? 11 लोग हमारे पास आए हैं, उसमें से एक मृत महिला की एक मृत्यु हुई।